खालसा साजना दिवस असे विसाखी के दिहाड़े ते संगतां गुरु घरां च मत्था टेक रही है और गुरबाणी कीर्तन सरवण करके गुरु के फलसफे ते चलन की प्रेरणा लै रही है। इस पावन दिहाड़े ते संगत विश्व शांति लई अरदासां कर गुरु नाम के समुद्र डुबकी लगा रही है। इसे तरह पिंड कनेच विच पिंड कनेच दीआं समूह संगतां दे सहयोग दे नाल गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब पातशाही दसवें विखे विसाखी का दिहाड़ा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा मंजी साहिब कनेच विखे ढाडी कबीसरी जथियां वल्लों कथावाचक ज्ञानी तरलोचन सिंह शब्दी चंडीगढ़ वाले गुरमत कथा विचार संगतां नाल सांझे करके गुरु साहिब नाल जोड़दे विचार सांझे कीते। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिया अकाल पुरख बखदियाती धनवादियाँ भाई जिन्होंने सानू सुभागा समा बख्शिया खालसे 324वें दिन मनाउण दा, जो कि अज विसाखी दा जिहड़ा खालसा दा जन्म भाई इस नगर ते भी कृपा कीती आ। नगर ने भाई रल मिल के सारे ने इकट्ठे हो के खालसे दे उस जन्म दिहाड़े नूं मनाउणा कि खालसा मेरे उदास, खालसा मैं खालसो मेरा रूप है खास, उसनों गुरु प्यारियो बड़ी बढ़ चढ़ के कृपा की है। गुरु नानक रागी ढाडी कबीसर भी आए तो होर कृपा हुई है गुरु नानक पातशाह जी भाई चंडीगढ़ तो भाई साहब भाई तरलोचन सिंह कसा वर्ग आ के संगत निहाल करके गए और खुशियां गुरु नानक पातशाह दिन लग गए। होर भाई धन्यवाद आ सारे नगर वासियां संगत जिहड़े भाई दूरों नेड़े आ के इस समागम में शामिल होकर उसनों रौनक बधाइया। कृपा करे गुरु नानक पातशाह नगर के गुरसिखी का वाधा होवे। हरेक साल इस तरह असं भाई बद चढ़ के मनाते रहिए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज अपने सारे नगर वालों विसाखी का दिहाड़ा जो सरबत खाल अपने सिखी का प्रचार नहीं है रख्या गया, गुरु ने नहीं पत्थर रख्या सीगा, खालसा साजिया सीगा, अज के दिन खालसा साज के अपने कौम नू जागृत किया सी पंथ दे नाल जुड़न ले लई। उस दे बेस दे विच अज पिंड कनेच विच विसाखी का दिहाड़ा साजना दिवस बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया। सारे नगर वालों सारे पंचायत वालों सारे साथी इकट्ठे हो के जिन्हां ने यह खालसा दिवस मनाया सारिआं दा धन्नवाद पंचायत वालों गुरद्वारा कमेटी वालों किया जाता। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। बाकी नगरां की तरह अज नगर कनेच विखे गुरद्वारा मंजीत साहब जो गुरु गोबिंद सिंह जी चरण छोह प्राप्त आ उत्थे विसाखी का दिहाड़ा जो मनाया गया कमेटी के सहयोग के नाल पंचायत के सहयोग के नाल अज के दिन आपां सारिआं नूं पता ही आ वी खालसा पंथ की सरजना गुरद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब भेगे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कीती सीगी। उस रीत नूं मुख रखते हुए अज नगर कनेतियां संगतां वल्लों भी जिहड़ा विसाखी का दिहाड़ा ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕਨੇਚ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ
धन्यवाद करते हैं जिन्होंने वध चढ़ के अच्छ गुरद्वारा साहब च हाजरी लवा के जो ये समागम कमेटी वालों किए गए थे उन्होंने वध तो वध हाजरियां लाइया। मैं सारिया का कमेटी का नगर पंचायत का फिर तो एक बार ही धन्यवाद करदा बी एह जे तो बाकी फास्ट वाले रिंकू वीर होना का भी धन्यवाद जिन्होंने अज का प्रोग्राम लाइव चलाया वा तो सारे का धन्यवाद आ। तो मैं कमेटी को फिर कहूँगा भी यह जे समागम होने चाहिए वध चढ़ के जो जो बच्चे अजक सिखी तो दूर जा रहे हैं वो सिखी के नाल जुड़न जो कि समय की मुख लोड़ आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।